हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर कमला उपाध्याय। आज का लेक्चर रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म पे है। इसके अंदर हम जानेंगे कि वर्ल्ड वाइड किसी भी एनिमल, प्लांट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक नाम रखने में हम किस तरह से सक्षम हैं और उसके लिए क्या रूल्स बनाए गए हैं, जिससे कि साइंटिफिक वर्ल्ड में किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को जानने के लिए कोई कन्फ्यूजन ना हो। सो रूल्स ऑफ नॉमनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म हम जाने, इसके पहले हम नॉमनक्लेचर का मीनिंग समझ लें। तो जो नॉमनक्लेचर जो वर्ड है, ये लैटिन वर्ड से आया हुआ है। तो नॉमेन का मतलब होता है नेम और क्लेयर का मतलब होता है टू कॉल। और अगर इन दोनों को हम मिला दें तो इसका मीनिंग निकलता है टू कॉल बाय नेम, यानी कि हम किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को उसका नामकरण हम उसका कर रहे हैं, जिससे कि हम उसको उस नाम से बुला सकें। या हम कह सकते हैं कि एक तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट टैक्सा की लेवलिंग कर रहे हैं, और ताकि जिससे कि जो बायोलॉजिस्ट हैं वो आपस में उनको कम्युनिकेट करने में आसानी हो। अब ये कम्युनिकेट करने में आसानी से मतलब है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर एनिमल के बारे में या प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर वो दूसरी अदर लैंग्वेज का है अगला साइंटिस्ट, तो उसको भी पता होना चाहिए कि हम किस पर्टिकुलर एनिमल या किस पर्टिकुलर प्लांट की बात कर रहे हैं। तो इसी के लिए वर्ल्ड वाइड एक रूल बनाया गया है, जिसके लिए कि हम उसके लिए कोड्स बनाए गए हैं कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का हम नॉमनक्लेचर कैसे करेंगे। सो फ्रेंड्स, नॉमनक्लेचर हम किस तरह से करेंगे, इसके राइटिंग के लिए रूल्स जूलॉजी में 1830 से पहले भी बनते रहे, लेकिन इसकी जो कंपाइलिंग थी 1895 में थर्ड इंटरनेशनल कांग्रेस फॉर जूलॉजी में, इंटरनेशनल रूल्स ऑन जूलॉजिकल नॉमनक्लेचर जो है पहली बार प्रपोज किया गया। और उस टाइम पे ये थ्री लैंग्वेजेस में इसको प्रपोज किया गया, इंग्लिश, फ्रेंच एंड जर्मन लैंग्वेज में। इसके बाद कई बार जो है नॉमनक्लेचर के रूल्स बने, चेंज हुए डिफरेंट जूलॉजिकल कांग्रेसेस में, और फाइनली 1905 में ये इतना ज़्यादा बढ़ गया कि लगने लगा कि ये सब जो रूल्स बने हैं ये सब आउटडेटेड हो गए हैं। तो इसीलिए इसके बाद 1958 में एक न्यू वर्जन नॉमनक्लेचर का जो है पब्लिश किया गया, और इसकी फर्स्ट एडिशन ऑफ द ICZN यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमनक्लेचर, ये 9 नवंबर 1961 में ये फर्स्ट एडिशन आया। सो फर्स्ट एडिशन के बाद सेकेंड एडिशन, देन थर्ड एडिशन आया, और फाइनली फोर्थ एडिशन आया, जिसमें कि इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमनक्लेचर के रूल्स इंटरनेशनल कमीशन ऑन जूलॉजिकल नॉमनक्लेचर के द्वारा सेट कर दिए गए, और ये 1 जनवरी 2000 से फोर्थ एडिशन में ये लागू हो गए। और इस फोर्थ एडिशन में नॉमनक्लेचर के 106 पेजेस हैं, और साथ ही इसमें जो है प्रेम्बल और प्लस 90 आर्टिकल से बना हुआ है, जिसमें लगभग 18 चैप्टर्स हैं। और साथ ही जो इसमें वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, यानी कि टर्मिनोलॉजी जो यूज़ की गई है, उसके लिए इसमें ग्लॉसरी बनी हुई है, जहाँ से कि आप उसका मीनिंग आप समझ सकते हैं। और इस नॉमनक्लेचर को बनाने का जो मेन एम है वो ये है कि जो नेक्स्ट जनरेशन के पास में जो हम इंफॉर्मेशन देंगे वो बिल्कुल सही और एग्जैक्ट हो, उसके लिए इसमें टूल्स बना दिए गए। तो फ्रेंड्स, इस न्यू एडिशन ऑफ नॉमनक्लेचर के अकॉर्डिंग जो है, जो लिनियन हाई अरार्की है वो अकेले सर्वाइव करने में जो है वो अभी उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं रह गई है, नहीं रह गई है। इससे मतलब है कि साइंटिफिक वर्ल्ड में नॉमनक्लेचर के लिए इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है कि उसको दूर करने के लिए ये फोर्थ एडिशन जो है नॉमनक्लेचर का तैयार करना पड़ा। तो इसमें आपको ये छूट दी गई है कि आपको किस तरह से, और आप टैक्सा उसमें जो नॉमनक्लेचर के जो टूल्स उसमें दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंगली आप उसमें कैसे टैक्सा बना सकते हैं, और उसमें कोई कन्फ्यूजन कोई भी क्रिएट ना हो, और साइंटिफिक वर्ड में एक ही तरह से जो है नॉमनक्लेचर किया जाए, उसके लिए रूल्स दिए गए हैं।
लेकिन लीनियन हायरार्की को जो है, जो कि एक ट्रेडिशनल हमारा एक सिस्टमैटिक पोजीशन बनाने का एक ट्रेडिशनल जो वे था, उसमें कह सकते हैं कि जो फोर्थ एडिशन ऑफ नॉमनक्लेचर है उसमें हमने कई और नई चीज़ें जोड़ दी हैं, जिससे कि जो साइंटिस्ट हैं उनको नॉमनक्लेचर में कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, और अगर उन्हें ज़रूरत है कि एक नया लेवल उनको डालने की, तो उसके लिए जो रूल्स उसमें दिए गए हैं उसको फॉलो करते हुए ये काम उन्हें करना है। तो इस तरह से जो फोर्थ एडिशन ऑफ नॉमनक्लेचर है, ये काफी आप कह सकते हैं कि बहुत एडवांस फॉर्म ऑफ नॉमनक्लेचर फॉर जियोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है। तो जो अभी नॉमनक्लेचर का जो मेन एम है, उसका एम है यूनिकनेस। यूनिकनेस से मतलब है कि जो भी साइंटिफिक नेम जो दिए जाएं वो साइंटिफिक वर्ड में एक पर्टिकुलर नेम से ही वो जाने जाएं, और यूनिवर्सलिटी से मतलब है कि सारे संसार में जो ऑर्गेनिज्म है उसका नेम सेम हो और उसमें कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, और साथ ही उसमें स्टेबिलिटी भी हो। हाँ, ये अब देखें कि प्रिंसिपल्स ऑफ नॉमनक्लेचर हम किसे बोलेंगे। तो इसके बारे में जानने के पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो अभी लेटेस्ट जो एडिशन है नॉमनक्लेचर का, जो इसका फोर्थ एडिशन है, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं नॉमनक्लेचर के लिए, और कई सारे उसमें नए टर्म्स उसमें यूज़ किए गए हैं, और पुराने भी जो रूल्स थे उनमें भी कई सारे चेंजेस किए गए हैं, जिससे कि एक यूनिकनेस बनी रहे जो हम नॉमनक्लेचर करेंगे उसमें, और एक प्रिसाइज इंफॉर्मेशन जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उसके पास जाए उसके लिए। तो क्योंकि आप लोगों का ये बेसिक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसमें जो नॉमनक्लेचर है वो किस तरह से करते थे करते हैं इसके बारे में आपको जानना चाहिए। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हमने लिया है वो रैंक्स और टैक्सा है। तो फ्रेंड, ये रैंक्स और टैक्सा जो है, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ये दरअसल हम सिस्टमैटिक पोजीशन जो कि आप पढ़ते हैं उसमें जो डिफरेंट लेवल्स हैं, जैसे फाइलम, सब फाइलम, देन क्लास, ऑर्डर, तो ये डिफरेंट डिफरेंट आप इनको रैंक्स कह सकते हैं या इनको टैक्सा कह सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है ड्रोसोफिला, जीनस ड्रोसोफिला, तो जो जीनस है ये एक रैंक है। इसी तरह से जो फैमिली है वो ड्रोसोफिलिडी, तो ये भी क्या है, एक टैक्सा है, या आप कह सकते हैं कि ये एक रैंक है। तो ये एक कैटेगरी है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है जो प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, ताकि उसके बारे में हम एक प्रिसाइज और बिल्कुल रिफाइन उसके बारे में हम किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बहुत रिफाइन नॉलेज हम दे पाएँ। उसके लिए ये डिफरेंट जो टेक्सा है वो क्लासिफिकेशन में फिक्स किए गए हैं। तो इसके जो अरेंजमेंट है वो हम देखते हैं कि किस तरह से ये अरेंज किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको डिफरेंट रैंक्स दिखाई दे रहे हैं। तो जो रैंकिंग है वो इस तरह से इसका ऑर्डर रहेगा, सबसे पहले किंगडम लिखेंगे, उसके बाद फाइलम, देन सब फाइलम, सुपर क्लास, क्लास, सब क्लास, उसके बाद कोहोर्ट, सुपर ऑर्डर, ऑर्डर, सब ऑर्डर, सुपर फैमिली, फैमिली, सब फैमिली, देन ट्राइब, जीनस, सब जीनस, स्पीशीज और सब स्पीशीज। तो ये जो रैंकिंग का जो ऑर्डर है वो इस तरह से रहेगा। तो यहाँ पे मैंने एक जगह लिखा है कोहोर्ट। कोहोर्ट जो है पैलेंटियोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं इस टर्म को क्लास और ऑर्डर के बीच में। इसी तरह से ट्राइब को एंटोमोलॉजिस्ट और उसके अलावा और भी ब्रांचेस में इसे यूज़ किया जाता है, जैसे इसे यूज़ करेंगे सब फैमिली और जीनस के बीच में। इसके साथ ही आप देख रहे हैं सुपर फैमिली के आगे मैंने लिखा है ऑर्डिया। तो ऑर्डिया इसका मैंने एग्जांपल भी आपको दिया है कि जो भी यहाँ पे आप टर्म देंगे सुपर फैमिली के लिए, तो उसका एंड जो है ऑर्डिया से होगा, जैसे ड्रोसोफिलॉर्डिया, ड्रोसोफिला से। इसी तरह से फैमिली जो है आईडी, तो ये ड्रोसोफिलिडी। तो आप यहाँ पे आप ध्यान दे रहे होंगे कि जो नेम है वो जीनस नेम से ही हमने उसकी सुपर फैमिली, फैमिली, सब फैमिली इस तरह से बनाया हुआ है। तो जो आपके नॉमनक्लेचर के जो टर्म्स हैं उसमें ये सब बताया गया है कि किस तरह से आपको डिफरेंट जो रैंक्स हैं उसके अकॉर्डिंग क्या आपके कोड्स रहेंगे, किस तरह से आपको रैंकिंग के लिए आपको अपने टर्मिनोलॉजी यूज़ करनी है। तो इसी तरह से जैसे सब फैमिली लिखा है इन्हीं पे ख़त्म होगा, तो ड्रोसोफिलिनी।
और इसी तरह से ट्राइब INI इन्हीं पे ख़त्म होना है, तो इस तरह से बॉम बिनी यानी कि बम्बल बीज होती हैं, कॉमन नेम इनका बम्बल बीज है, तो ये बॉम बिनी, तो इस तरह से रैंकिंग इस तरह से रहेगी। और यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन लास्ट में, सबसे लास्ट में आता है आपका स्पीशीज़, तो वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो फ्रेंड्स, जो पिछले सेगमेंट में हमने सिस्टमैटिक पोजीशन लिखने का तरीका देखा, तो इस तरीके को बोलते हैं सिस्टमैटिक हायरार्की ऑफ लिनियन हायरार्की, जो कि कॉमनली टेक्सोनॉमिस्ट जिसे यूज़ करते हैं। और जो अभी नॉमनक्लेचर में जो चेंजेस हुए हैं 4th एडिशन में, उसमें इस सिस्टमैटिक पोजीशन में भी कई सारे चेंजेस हुए हैं, यानी कि जो टेक्सोनॉमिस्ट है उनको बहुत उनको छूट दी गई है कि किस तरह से वो, और अगर अपने कन्वीनियंट के लिए और नए अगर टैक्सा वो डालना चाहे तो वो किस नाम से होंगे, तो वो उन लोगों को उसके लिए उसमें कोड बताए गए हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यूनी बाई और ट्राइनोमियल नॉमनक्लेचर। तो यूनी का मतलब होता है सिंगल यानी कि एक, बाई मतलब डबल यानी कि दो, और ट्राइनोमियल मीन्स तीन। तो अगर इस तरह के अगर आपको नाम रखने हैं जिसमें कि एक नाम आएगा या दो आएंगे या तीन आएंगे, तो वो लिखना उसका, उसको लिखने का तरीका कैसे होगा वो इसमें बताया गया है। तो यूनिनोमियल में जैसे एग्जांपल के तौर पे ड्रोसोफिला, जिसमें कि एक नाम आ रहा है यानी कि जीनस नेम आएगा यूनिनोमियल में, और इसी तरह से बाइनोमियल जिसमें आपके जीनस नेम और जो स्पीशीज नेम है वो आएगा, तो वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहेंगे उसको। इसी तरह से ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसमें कि आपके जीनस नेम, स्पीशीज नेम और उसका भी सब स्पीशीज नेम आएगा, तो उसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो यहाँ पे जो सभी एग्जाम्पल इसमें दिए गए हैं, तो आप यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, लाइक बाइनोमियल के लिए आप टीनिया सोलियम के लिए का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, या एंटामीबा हिस्टोलिटिका दे सकते हैं। तो इसी तरह से ट्राइनोमियल में आप उसकी सब स्पीशीज भी लिखेंगे, तो तीन नाम आने चाहिए, जैसे यहाँ पे ड्रोसोफिला एक है, सुजुकी एक है दो, और इंडिकस को मिला के तीन नाम है, तो इस तरह से ये लिखा जाएगा। इसके बाद आता है टैक्सा अबव द स्पीशीज, यानी कि जो स्पीशीज के ऊपर जो टैक्सा लिखे जाएंगे, जो डिफरेंट जो लेवल्स हैं उनको हम किस तरह से लिखेंगे, तो वो हमेशा यूनिनोमियल होंगे यानी कि उसमें सिंगल नेम आएगा, और जो जीनस के बाद के जो नेम होंगे नीचे की ओर यानी कि स्पीशीज सब स्पीशीज, इसमें आप बाइनोमियल ट्राइनोमियल आप यूज कर सकते हैं। आइए देखें कि स्पीशीज और सब स्पीशीज को सिस्टमैटिक पोजीशन में किस तरह से लिखा जाएगा, या कहीं पे टेक्स्ट है तो उसमें किस तरह से लिखा जाएगा। तो अभी तक हम जो सिस्टमैटिक पोजीशन था उसमें हम जो जीनस है उसको भी हम यूनिनोमियल लिखते थे और स्पीशीज को भी यूनिनोमियल लिखते थे। जैसे कि अगर ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर नेम है तो जीनस इसका ड्रोसोफिला हम लिखते थे और जो स्पीशीज है वो मिलेनोगेस्टर हम लिखते थे। लेकिन अब जो नया नॉमनक्लेचर के अकॉर्डिंग हम स्पीशीज में सिर्फ स्पीशीज नेम नहीं लिखेंगे, उसके पहले हम उसका जेनरिक नेम लिखेंगे, उसके बाद स्पीशीज नेम लिखेंगे, और उसका लिखने का तरीका यहाँ पे जैसे दिखाया गया है D.Melanogaster। इसी तरह से अगर ट्राइनोमियल फॉर्म में लिखना है तो वो हमेशा फुल फॉर्म में लिखा जाएगा, जैसे अगर ड्रोसोफिला है तो उसका फुल स्पेलिंग लिखी जाएगी ड्रोसोफिला, उसके बाद मेलानोगेस्टर पूरा लिखा जाएगा, और इसके बाद उसका अगर सब स्पीशीज है उसकी भी स्पेलिंग पूरी लिखी जाएगी। और जो स्पीशीज हैं उसके ऊपर के जितने भी आपके लेवल्स हैं वो सारे यूनिनोमियल रहेंगे। आइए अब देखें, अगर हमें साइंटिफिक नेम को अगर हमें लिखना है यानी कि हमें रिटन में या प्रिंट उसका निकालना है तो वो किस तरह से लिखेंगे। तो साइंटिफिक नेम हमेशा इटैलिक से लिखेंगे और जेनरिक नेम हमेशा कैपिटल लेटर से होगा और स्पीशीज नेम स्मॉल लेटर से। और अगर हम स्पीशीज नेम लिखेंगे तो उसको सबसे उसके आगे जो है जेनरिक नेम लिखना जरूरी है। और इसी तरह से अगर हम हाथों से लिख रहे हैं, उसको राइटिंग फॉर्म में लिख रहे हैं, तो जेनरिक नेम अगेन उसमें जो जेनरिक नेम है कैपिटल लेटर से होगा और स्पीशीज नेम स्मॉल लेटर से, और इसे हमें अंडरलाइन करना होगा। तो इस तरह से जो है ये साइंटिफिक नेम लिखे जाएंगे। नाउ लेट्स सी इफ डिफरेंट साइंटिस्ट हैव नेम्ड द सेम जीनस और स्पीशीज। कहने का मतलब है कि सेम जीनस और स्पीशीज को अगर अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग नामों से उसको पब्लिश किया है तो उस केस में क्या होगा। तो उस केस में जिसने उसको पहले पब्लिश किया है तो उस नेम को एक्सेप्ट किया जाएगा,
इसके लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे सपोज किसी ने 1958 में एक पर्टिकुलर नेम से उसको स्पीशीज को पब्लिश कर दिया है और किसी ने उसके बाद 1960 में किया है, तो जिसने 1958 में उसने पब्लिश किया है उस नाम को नॉमनक्लेचर में एक्सेप्ट किया जाएगा। नाउ लेट्स सी पेरेंथिसिस, इसके अंदर द ऑथर्स नेम इज पुट इन पेरेंथिसिस व्हेन द स्पीशीज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जीनस टू अदर रिटेनिंग इट्स ओरिजिनल ऑथर एंड डेटा। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, सपोज कोई एक पर्टिकुलर स्पीशीज है उसको गलत जीनस में पहले रखा गया लेकिन लेटर ऑन किसी और साइंटिस्ट ने उसको आइडेंटिफाई करके उसको उसके सही जीनस में रखा, तो उस केस में हम उसके जो पहले ऑथर को कैसे हम उसको लिखेंगे, तो उसका तरीका इसमें बताया गया है। जैसे बाइपर्स एक फ्रूट फ्लाई की स्पीशीज जिसको कि वॉकर ने 1862 में किसी और जीनस में रखा था लेकिन लेटर ऑन हार्डी ने 1959 में इसको आइडेंटिफाई करके इसके इस सही जीनस हेमिलिया में इसको रखा, तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा, जैसे हेमिलिया बाइपर्स उसका नेम हो गया और उसके बाद ब्रैकेट में वॉकर का भी नाम आएगा क्योंकि बाइपर्स को उन्होंने पहले डिस्क्राइब कर दिया था, और ईयर लिखेंगे ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद ब्रैकेट के बाहर से जिस ऑथर ने या जिस साइंटिस्ट ने उसको सही जीनस में रखा उनका नेम आएगा हार्डी 1959। और इसी तरह से अगर हम लिखते हुए अगर हम कॉमन नेम यूज कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, तो उसके लिए भी उसका पेरेंथेसिस को बरकरार रखते हुए, जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है इंडियन कोबरा, ये कॉमन नेम है, इसका साइंटिफिक नेम हम ब्रैकेट में लिखेंगे नाजा नाजा। नाउ द नेक्स्ट इज इफ सेवरल स्पीशीज फ्रॉम दी सेम जीनस आर बीइंग लिस्टेड और डिस्कस्ड, कहने का मतलब है अगर आप सेम जीनस की कई सारी स्पीशीज को आपने लिखना है तो उसको आप किस तरह से लिखेंगे, या उसको उसकी लिस्ट बनाएंगे या उसका डिस्कशन किस तरह से पेपर में आप उसको रिपोर्ट करेंगे उसके बारे में है ये। तो जब आप उसको पहली बार जैसे यहाँ पे लिया है ड्रोसोफिला मिलानोगेस्टर और उसकी कई सारी स्पीशीज जैसे इमिग्रेंस बुस्की लिया गया है, तो इसको किस तरह से लिखेंगे, तो पहली बार में तो ड्रोसोफिला आप जीनस नेम फुल लिखेंगे, उसके बाद उसका जो स्पीशीज नेम है उसे भी फुल लिखेंगे, लेकिन जब आप कॉमा के बाद दूसरी ड्रोसोफिला स्पीशीज को लिखेंगे तो वहां पे डी आप डॉट उसको डी डॉट लिखेंगे, यानी कि सिर्फ स्टार्टिंग का लेटर रहेगा जीनस का, और जो इमिग्रेंस है यानी कि जो स्पीशीज नेम है वो आप फुल लिखेंगे और इसी तरह से आगे को लिखते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा कि पहली बार में इसको बाइनोमियल फॉर्म में उसको पूरा लिखा गया है, ड्रोसोफिला की पूरी स्पेलिंग और मिलानोगेस्टर की पूरी स्पेलिंग। नेक्स्ट है द एब्रीविएशन स्पीशीज, यानी कि कहने का मतलब है जब आपको एक पर्टिकुलर जीनस की कई सारी स्पीशीज के नेम की आपको जरूरत नहीं है लेकिन आपको वहां पे दिखाना है कि उसकी स्पीशीज के बारे में बात हो रही है, तो उस वक्त आप उसको कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया है ड्रोसोफिला स्पीशीज, यानी कि जो जीनस नेम है आप उसको तो इटैलिक करेंगे और जीनस को जैसे उसका कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और उसको जीनस नेम इटैलिक में लिखेंगे, और अगर आप उसको लिख रहे हैं टेक्स्ट में लिख रहे हैं तो उसको आप अंडरलाइन करेंगे, लेकिन आप यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो स्पीशीज लिखा है तो एसपी स्पीशीज के लिए हमने यूज किया है तो उसको इटैलिक नहीं करना है, और जब आप इसको टाइप करेंगे तब भी इसको इटैलिक नहीं करना है और लिखते टाइम इसको अंडरलाइन नहीं करना है। इसी तरह से अगर कई सारी स्पीशीज की बात हो रही है, ड्रोसोफिला बहुत सारी स्पीशीज को आपको वहां पे दिखाना है, प्लूरल में दिखाना है, तो आप उसको एसपीपी लिखेंगे। नेक्स्ट है द टू वर्ड साइंटिफिक नेम्स आर जनरली फॉलोड बाय द नेम ऑफ द डिस्कवरर और ऑथर, तो जो न्यू स्पीशीज जो खोजी जाएगी उसके साथ में उसके जो साइंटिस्ट हैं उनका नेम किस तरह से लिखा जाएगा वो इसमें दिखाया गया है, तो उसको आप एब्रिविएशन के फॉर्म में आप दिखा सकते हैं, सपोज साइंटिस्ट का नेम एल से स्टार्ट होता है तो मैग्नीफेरा इंडिका एल डॉट, उनका सिर्फ स्टार्टिंग का लेटर लिखेंगे। इसी तरह से सपोज लीनियस है तो नेक्स्ट आप इस तरह से लिख सकते हैं LINN, जैसे होमोसेपियंस में आपको दिखाया गया है। इसी तरह से माइक्रो ड्रोसोफिला बमनपुरियेंसिस, इसमें आप देख सकते हैं कि पूरा ही नेम लिखा हुआ है एक तरह से, उपाध्याय एंड सिंह, तो इसमें लिखने का जो तरीका है एक तो इस तरह से लिखेंगे, दूसरा आपने अगर ध्यान दिया होगा तो जीनस और स्पीशीज तो इटैलिक हैं लेकिन जो साइंटिस्ट हैं उनका नेम इसमें इटैलिक नहीं रहेगा, वो आप उसको नॉर्मल लिखेंगे, और साथ ही जो जीनस एंड स्पीशीज है उसके बाद आप कॉमा नहीं करेंगे साइंटिस्ट का नेम लिखने के लिए, वहां पे आप उनका नेम सीधे लिख देंगे।
नाउ नेक्स्ट इज स्टार्टिंग पॉइंट डेट ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है उसकी स्टार्टिंग पॉइंट डेट कौन सी मानी जाएगी। तो इसे सिस्टेमा नेचुरी के 10th एडिशन जो कि 1 जनवरी 1758 को पब्लिश हुआ, जिसे लीनियस ने लिखा था, तो इस डेट को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का स्टार्टिंग पॉइंट डेट माना गया है। और इसके अलावा उस टाइम पे जो भी वर्क उस ईयर में पब्लिश हुए या उसके पहले पब्लिश हुए उनको इसके बाद का माना जाएगा, यानी कि जो ऑथेंटिक माना गया है वो सिस्टेमा नेचुरी को है। और इसी को हमारे टेक्सोनॉमिस्ट इसके जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है उसको आज भी हम फॉलो करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज यूज ऑफ सफिक्सेस, सफिक्सेस जैसे आई ओ आर यू एम ओरम ई आई ए ई एक्सेट्रा, इनको हम किसी स्पीशीज का नाम देने में हम कैसे यूज़ करेंगे। तो सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, किसी पर्सनल के नेम पे भी हम स्पीशीज का नेम रख सकते हैं, जैसे बिस्ट है एक पर्सनल का नेम, तो उसको हम कैसे लिखेंगे। सपोज इसमें हम आई अप्लाई कर रहे हैं सफिक्स, तो इसको हम लिखेंगे बी आई एस एच टी डबल आई बिस्टी। इसी तरह से अगर हम ओरम यूज कर रहे हैं सफिक्स, तो बिस्ट में हो जाएगा बिस्टोरम। और इसी तरह से अगर हम आई ए ई यूज कर रहे हैं तो बिस्ट का हो जाएगा बिस्टी, बी आई एस एच टी आई ए ई। तो इस तरह से हम स्पीशीज के नेम लिखेंगे। इसके बाद देखते हैं यूज ऑफ सफिक्स एंसिस और आयेंसिस। तो ये सफिक्सेस हम किसी स्पीशीज का किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के नेम पर भी हम रख सकते हैं, और उस जियोग्राफिकल एरिया का जो नेम है उसको हम एंड करेंगे एंसिस पे या फिर आयेंसिस पे। तो जैसे सपोज कोई पर्टिकुलर स्पीशीज है, उसको हमने बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से अगर हमने उसको लिया है, वहाँ से हमने उसको खोजा है, तो उसका नाम हो जाएगा बागेश्वरेंसिस अगर हम इसमें एंसिस यूज़ करते हैं सफिक्स, तो ये हो जाएगा बागेश्वरेंसिस। इसी तरह से अगर हमने बमनपुरी कोई विलेज है वहाँ से अगर हमने उसको न्यू स्पीशीज़ को डिस्कवर किया है, तो उसका नेम हम उस विलेज के नेम पे आयेंसिस सफिक्स लगाते हुए हम रख सकते हैं, जैसे बमनपुरी ENSIS बमनपुरीensis। तो इसी तरह से आप अपनी एरिया के नाम पर भी आप ये सफिक्स यूज करते हुए आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं। इसी तरह से ऊपर जो आई ओरम और ई है, तो उस पे भी आप अपने सफिक्सेस जो है किसी पर्सनल के नेम पे आप बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो नोमेनक्लेचर के जो मैंने आपको कुछ कोड्स और उनको किस तरह से यूज़ किया जाता है वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के मैंने आपको यहाँ पे बताए। लेकिन अगर हम इसका कंक्लूजन अगर हम देखें तो जो 4th एडिशन है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इसका जो बेसिक एम है वो ये है कि जो हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनको पूरी इसमें फ्रीडम दी गई है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को वो किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ताकि उसको टैक्सोनॉमिकली उसको डिफाइन करने में वो एक अपना सही जजमेंट दे पाए। उसके लिए जो 4th एडिशन है नोमेनक्लेचर का, उसमें आर्टिकल्स और रिकमेंडेशंस उसमें दिए गए हैं, और साथ ही जो टैक्सोनॉमिस्ट हैं उनको उस पर्टिकुलर एनिमल को डिफाइन करने के लिए अगर उनको पर्टिकुलर टैक्सा भी अगर उनको यूज़ करना पड़ता है या डालना पड़ता है तो वो उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि अभी तक जो लीनियन हायरार्की है, यानी कि जो उसका सिस्टमैटिक पोजीशन जो लिखने का एक तरीका है, तो उसमें ये था कि उस पर्टिकुलर टैक्सॉन में फिट होने के लिए उनको ज़बरदस्ती वो कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाने होते थे। लेकिन अब इस तरह का जो है उनको नीड नहीं है इस 4th एडिशन के अकॉर्डिंग, तो वो अपने अकॉर्डिंगली एक पर्टिकुलर टैक्सॉन उसके लिए बना सकते हैं, जिससे कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने में और भी सही वो अपना डिसीजन दे पाए। सो फाइनली द एम ऑफ नोमेनक्लेचर इज दैट बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर हैज़ टू बी एन एग्जैक्ट टूल दैट विल कन्वे अ प्रिसाइज मीनिंग फॉर पर्सन्स इन ऑल जनरेशंस। One should always keep in mind that an important function of classifications is information retrieval. The lenient tradition will be supplemented
बट नॉट रिप्लेस्ड बाई न्यू सिमेंटिक एंड लेक्सिकल टूल्स। तो ये जो है ICZN फोर्थ एडिशन के अकॉर्डिंग है, जिसमें कि जो हमारा मेन एम है नॉमनक्लेचर का, उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन में हम किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की पूरी पूरी इंफॉर्मेशन उसके लिए हम दें, और जो लीनियन जो हमारा नॉमनक्लेचर का जो हमारा ट्रेडिशन था उसमें एडिशन कर दिया गया है, मतलब कि उसको हटाया नहीं गया है, उसमें सही एडिशन कर दिया गया है, जिससे कि जो पूरी इंफॉर्मेशन है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में वो मिल पाए। सो दिस इज ऑल अबाउट द रूल्स ऑफ नॉमनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इसमें कुछ ही यहाँ पे जो है नॉमनक्लेचर का आपको कुछ ही बेसिक यहाँ पे दिया गया है, लेकिन जो अभी फोर्थ एडिशन है उसमें 106 पेजेस हैं, जिसमें बहुत सारे कोड्स उसमें दिए गए हैं नॉमनक्लेचर के लिए। तो क्योंकि आपका टेक्सोनॉमी का ये स्टार्टिंग है, तो आपको जितना बेसिक नॉलेज होना चाहिए वो इस लेक्चर में मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। अगर आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आया है तो आप इसको दोबारा सुने, जिससे कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अगर आप फ्यूचर में कभी एक अच्छे टेक्सोनॉमिस्ट या सिस्टमैटिस्ट बनते हैं, आगे आप रिसर्च करते हैं, तो आपको जो फोर्थ एडिशन है वो अच्छे से क्लियर होगा कि उसमें और भी क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज़ की गई हैं, वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो होप कि ये लेक्चर आपको स्टडीज़ में हेल्प करेगा। थैंक यू।